वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस अगर आपके पास रियलमी 9 है तो आपके लिए यहां पर एक गुड न्यूज़ है। रियलमी 9 के लिए रियलमी 4.0 की जो ओपन बीटा की एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। तो अगर आप भी इसको इंस्टॉल करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी कम्प्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और अगर आप इस अपडेट को करते हैं तो आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। साथ ही बात करेंगे इसके स्टेबल अपडेट के बारे में भी, किसका स्टेबल अपडेट जो है वो कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इस ओपन बीटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और उसमें अबाउट डिवाइस में जाना है। यहाँ पर आपको जहाँ पर ऑफिशियल वर्जन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो पेज ओपन होगा उसमें आपको ऊपर जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको ट्रायल वर्जन लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको ओपन बीटा लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको इस ओपन बीटा पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो है कि ये पूरा एप्लीकेशन नोटिस है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं। नीचे जो अप्लाई नाउ का बटन है वो कुछ सेकंड बाद जो है वो आपको इनेबल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही ये इनेबल होता है आपको इसमें अप्लाई नाउ को क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अपना डालना है और नीचे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस का जो बटन है उसको टिक करके नीचे सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको नीचे डन लिखा हुआ दिखेगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन जो है वो रियलमी के पास अंडर रिव्यू रहेगी। अगर रियलमी इसको अप्रूव करता है तो ही आपको आपके डिवाइस में ये अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल पाएगा। तो गाइस अब अगर बात करें कि यहाँ पर किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपका फ़ोन जो है वो रूट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी डेटा लॉस से बचने के लिए आपको अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप बना लेना चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन है खासकर की थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस उनको आपको गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड 13 के साथ कंपेटेबल ना हो। इसके बाद जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि यहाँ पर जो ये अपडेट है वो ओपन बीटा का अपडेट है तो हो सकता है कि जो आपके फ़ोन में अभी तक जैसे आप इसको डेली यूज़ करते आ रहे थे उसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिले जैसे कि ऐप क्रैश होना या फिर आपकी बैटरी ड्रेनिंग ज़्यादा होना। ये सारे इशू आपको देखने के लिए इस अपडेट में मिल सकते हैं क्योंकि ये एक बीटा अपडेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके फ़ोन में कम से कम 5 GB का जो स्पेस है वो अवेलेबल होना चाहिए तो नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका जो अपडेट है वो यहाँ पर फेल होने का रिस्क रहेगा। तो गाइज ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे इस अपडेट को करने से पहले। अब अगर बात करें कि यहाँ पर जो इसका स्टेबल अपडेट है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर ये जो ओपन बीटा की एप्लीकेशन है इससे लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के बाद जो है आपको इसका स्टेबल अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा कम्प्लीटली डिपेंड करता है रियलमी पर कि वो कितनी जल्दी बग्स को फिक्स करता है और आपको जो स्टेबल अपडेट है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये जो टाइम है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है अगर इसको रियलमी अपडेट को फिक्स करने में टाइम लगाएगा तो ये आप जो इन्फॉर्मेशन थी इस अपडेट से लेके दोस्तों वो मैंने आपके साथ पूरी शेयर कर दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।